आज हम बनाएंगे फूलगोभी का पकौड़ा, एकदम डिफरेंट, कुरकुरे, स्पाइसी, सभी तरह का फ्लेवर इसमें रहेंगे। धनिया चटनी का फ्लेवर आएगा इस पकौड़े में आपको। तो चलिए बनाते हैं सुपर टेस्टी फूलगोभी का पकौड़े। तो देख सकते हैं अंदर तक मसाला बहुत ही अच्छे से कोट हुए हैं, अभी गर्म है, और बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट पकौड़े बन करके तैयार हुए हैं। यहाँ पर हम एक ठो फूलगोभी लिए हैं मीडियम साइज़ का, उसमें से हम फूल छोटे छोटे काट करके गर्म पानी में डाल दिए हैं। गर्म पानी में 4 से 5 मिनट तक रख देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा अदरक लहसुन और 2 हरी मिर्च लिए हैं। तो अदरक लहसुन आप कम बेसी ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा चटपटा बना रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लिए हैं। अब डाल देंगे इसमें धनिया का पत्ता, और ये सबको हम पीस लेंगे। इस तरीके से अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़ा बन करके तैयार होता है। तो धनिया का चटनी जो है हमने पीस लिया है, और गोभी को गर्म पानी में से निकाल करके धो लिए हैं अच्छे से, और पानी जो एक्स्ट्रा था उसे हम निकाल दिए हैं। इसमें हम जो चटनी बना के रखे हैं उसे ऐड कर देते हैं। अब इसमें चावल का आटा डालेंगे 2 चम्मच, क्रिस्पी और कुरकुरे ताकि अच्छे तरह से रहे। तो आप कम बेसी ले सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंट तरीका से बना रहे हैं, इसका घोल बना करके नहीं बना रहे, बैटर नहीं बना रहे हैं। इसी में हम ऐड करेंगे, और 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड कर रहे हैं। तो ये हम घर में अभी चना दाल जो है उससे थोड़ा सा गर्म करके पीस के डाले हैं बेसन, उस तरीके से बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा इस तरह से अगर हाथ में आप मसल के डालिएगा तो उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसी तरीका को आप अपनाइएगा और बना के देखिएगा, फिर हमें कमेंट में बताइएगा जो आपका रेसिपी कैसा बना था। अभी हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर कलर तक ही आए, और धनिया का चटनी डाले हैं तो कलर तो हरा हरा ही आएगा, रेड और येलो कलर नहीं आएगा इस पकौड़ा में। तो हल्दी का पाउडर हम डाल दिए हैं। अब डाल देंगे गरम मसाला थोड़ा सा चटपटा के लिए, और यकीन मानिए फ्रेंड्स, गारंटी के साथ कह सकते हैं ये पकौड़ा अगर आप एक बार बना लिए तो बार बार आप सेम तरह का ही पकौड़ा बनाना पसंद करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हम थोड़ा सा और टेस्ट बढ़े उसके लिए हम इसमें 1 प्याज ऐड कर रहे हैं, और प्याज को आपको महीन नहीं काटना है, रफली कट करना है, थोड़ा सा मोटे मोटे, और उसका स्लाइस जो है अलग कर देंगे। इस तरीके से काटना है आपको प्याज को, देख सकते हैं आप। तो एक ही प्याज हम डाले हैं, आप कम बेसी डाल सकते हैं, और ये फूलगोभी के साथ में चिपके हुए रहते हैं तो पकौड़ा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरह से आप थोड़ा सा छुरा लीजिएगा, पूरा नहीं छुराना है, थोड़ा सा छुराना है प्याज का स्लाइस, तब इसे मिला देते हैं। तो चम्मच से अगर मिल पाए तो मिलाइएगा, नहीं तो हाथ से मिला लीजिएगा। तो ये अच्छे से नहीं मिल रहा है। अब हम इसमें 1.5 से 2 चम्मच पानी डालेंगे। तो मिक्सर के जार में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है, चटनी जो बनाए थे धनिया का हमने वो लगा हुआ है, तो उसी में थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे और इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। तो देख सकते हैं इस तरह से कोटिंग करना है आपको फूलगोभी में और प्याज में, बेसन का और ये मसाला का। तो थोड़ा सा ही पानी डालना है, तो देख सकते हैं पानी बहुत ही कम लिया है हमने, तो इतना ही पानी आपको भी लेना है और इसे अच्छे से मिलाना है। डाल देंगे और मिलाएंगे इसे, तो तब तक मिलाना है जब तक मसाले अच्छे से कोट फूलगोभी में ना हो जाए तब तक। तो देख सकते हैं फूलगोभी में मसाला बहुत ही अच्छे से कोटिंग हुए हैं। मसाला मिलाने के बाद में आपको रखना नहीं है, नहीं तो प्याज में और फूलगोभी में पानी छोड़ने लगेंगे नमक की वजह से। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, तो इसे चलिए फटाफट फ्राई कर लेते हैं। और इतना टेस्टी पकौड़ा बना हुआ था, खाने के बाद में वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है उसका मतलब याद में। तो आप ज़रूर एक बार बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ से पकौड़े को फ्राई कर लेना है अच्छे से। तो देख सकते हैं पकौड़ा फ्राई हो चुका है, तो दूसरा बैच को भी हम सेम तरीके से ही फ्राई करेंगे। पहला वाला बैच फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए सब पकौड़ा अलग अलग है, देखिए फूलगोभी के साथ में प्याज का स्लाइसेस जो था वो चिपका हुआ है, देखिए एक भी अलग नहीं हुआ है। और ये पकौड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करते हैं ये पकौड़ा का रेसिपी आप लोग को पसंद आया होगा। रेसिपी पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा।